इस समय में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में एक परिवार है जिनके सदस्य की जान चली गई है। इनका कहना आरोप है कि लापरवाही की वजह से पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया गया, उनकी जान चली गई और उसके ऊपर उन्हीं के घर के सदस्य के एक व्यक्ति पर यहाँ कंप्लेन भी करवा दी गई है। चलिए माता जी, क्या नाम है आपका बताओ? मेरा नाम कुलदीप कौर है जी। क्या हुआ कुलदीप जी? हुआ सुबह वो ठीक थे, वो था थोड़ी गैस बन गई थी। मेरा बेटा गुरमीत सिंह, उसको थोड़ी गैस, उसको 25 साल उसकी एज है। हमने लाया इधर ट्रीटमेंट करने के लिए, मुझे डॉक्टर ने भेजा बाहर पर्ची लाओ। मैं आई पर्ची लगाने, इतने टाइम में उन्होंने इंजेक्शन लगा के दो वैक्सीन निकाल दिए, दो इंजेक्शन लगा दे। फिर मैं बाहर आई, मैं अंदर गई, मुंडा डॉक्टर ने लगाया ऑक्सीजन लगाया, वो भी निकाल दिया। मैंने बोला डॉक्टर ऑक्सीजन क्यों निकाला, और एक ड्रिप लगाई तो उसमें पाते कौन सा इंजेक्शन लगाया, सिक्योरिटी स्कैन मेरा मुंडे की डेथ होगी। मैं फिर अंदर गई, मैंने डॉक्टर इनको खींच के लाया बाहर, मैं कहा जरा इसको देखो इसको क्या किया आपने। डॉक्टर सारे फुर हो गए, मैडम आई सा नहीं कुछ किया, आई तो उल्टे मेरे बच्चे पच्चे कट गई। आपके ऊपर किस चीज़ का? आपका ही बच्चा गया, बस मैंने हाथ पकड़ा था उसका, बोल रहे थे मैंने पकड़ा, हाथ में ड्रिप लगाई वो फेल हो गई, राइट हैंड में लगाई, लगे अंदर ड्रिप लगाने के बाद उसको ग्लूकोज भी नहीं लगाया, ग्लूकोज भी नहीं लगाया उसका, ऊपर से मेरे ऊपर बदतमीजी मरा भाई मरा, हम नहीं पूछेंगे कौन पूछेगा, इनका कौन से घर से मरा है, घर का कोई मरा है, मरते हैं उनसे पूछ रहे, डिग्री नहीं रखनी चाहिए उनकी, पूछने से क्या होता है, किसी ने चांटा मारा, किसी ने कुछ किया, किस बात की करेंगे ये? पुलिस ने आपसे पूछा कुछ? पुलिस ने मुझे पूछा, बोला आपने कुछ किया, मैंने कुछ मिसबिहेव नहीं किया, मेरा भाई मरा, मेरा दुख कोई नहीं समझ रहे, सब उनकी देख रहे हैं, जानता जिसको जिसका घर का बंदा जानता है उसको, इनको पता है तो आपने नहीं, ये गवर्नमेंट भाई की डेड बॉडी अंदर पड़ी है, ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनको तो बताना आपको जवाब देना है, तो फिर हम पूछेंगे तो ये भाग रहे हैं, हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए, फिर क्या फायदा है, मेरे दुख अंदर इतना हो रहा है, पूछने को शर्म नहीं आ रही। 25 साल का जिनका घर का सदस्य है, आपका भाई था, मेरा बड़ा भाई, ये माँ देखिए रो रही है, पर इन्हीं के ऊपर देखिए, एक बेटा चला गया, दूसरे के ऊपर कंप्लेन कर दी, भाई पूछने का अधिकार भी नहीं है, अस्पताल जनता के लिए है, तो आप पब्लिक सर्वेंट है तो ये किससे पूछेंगे, हमसे थोड़ी पूछेंगे, ये तो डॉक्टर से पूछेंगे ना, तो ये कौन सा तरीका हुआ आपने अपर लगा, देखिए इस माँ की हालत देखिए, देखिए माँ कैसे रो रही है, ये लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लापरवाही की वजह से, आपने पूछा नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, पूछा बताया नहीं, बता दे रहे हैं बेटा भाई आपका लिवर पेशेंट है, हम बोल रहे हैं लिवर पेशेंट है, हमने टेस्ट कैसे मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखाया, बोलता नहीं ठीक हो जाएगा, इसको ग्लूकोज की ड्रिप लगाई, आपकी पाइप हमने किस बात पे लगाई, किस बयान पे लगाई, ये तो बताओ ना, पानी अगर उसका है पेट में है तो पेशाब की पाइप किस वजह से लगा रहे हो आप, मैम मुझे पता है दादा, जिसका भाई है, जिसका जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं इसका, आपको पता है ये ड्रिप यहाँ पे लगा रहे हैं, फेल हो रही है, यहाँ पे लगाई, लगा के छोड़ के बैठ गए अंदर जी, अब यहाँ आगे नहीं पता कुछ करना है, ऑक्सीजन लगाया था बाहर निकाल के नीचे डॉक्टर ने फेंक दिया, ठंडा हो गया बस उनके सामने, और क्या मैं उतरी, मैं पकड़ के रखा था, बाबू बोला ठंडा हो गया, डेथ हो गई, पता भी नहीं चला, ये डॉक्टर है जला दे यहाँ पे, डॉक्टर नहीं कहेंगे हम इनको, जला कहेंगे ये क्या, डॉक्टर पे भरोसा किया जाता है, किस पे भरोसा करें, ना यहाँ का कानून अच्छा है ना यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, किसके पास जाएंगे हम लोग, बात करो तो बदतमीजी नाम आया था। आप देखिए एक परिवार है, इस माँ का बेटा गया 25 साल का, इस भाई का भाई गया, भाई जाता, और देखिए ये दुखनी को पता है और उसके ऊपर इसी भाई के ऊपर कंप्लेन कर दी है, हमें भी समझ नहीं आ रही किस बात की कंप्लेन है, थोड़ी तो कटसी दिखाइए, अरे जिनके घर का सदस्य है वो तो पूछेंगे क्या हुआ, किस लिए हुआ, कौन सा इलाज आप कर रहे हैं, पूछने में क्या खर्च है, और उल्टा इस माँ के दर्द को समझने के, भाई बोलो तूने बाथरूम की पैप क्यों लगाई, इसको अगर पेट में पानी है, लटरन गया सुबह मगा अच्छी तरह से गया, इसने इसने मांगा मुझे, मैं फुल्का खा का माँ फुल्का नहीं खाऊँ, मुझे उल्टी आ रही है, फुल्का नहीं खाऊंगा, गैस उल्टी बनती है, मैंने फुल्का फिर सोगुदाड़ा मैंने बनाया इसको, मैंने वो खिलाया, अच्छी तरह से घर से आई, बातें करते करते घर से आए,
इधर पहुंचा, थोड़ा इसको चक्कर आया इधर, ठीक ठाक उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट है, अच्छे बाप से मेरे से अच्छी तरह से आया। इससे हम गए पहले मेडिकल वाले के पास, मैं चल इसको पेंटा इंजेक्शन लगाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा। उसने बोला ना हम इसको अस्पताल लेके जाएंगे। हमें क्या पता, मारने के लिए मैंने इधर बेटा लाया, मार के ले गए उसको। अब देखिए इस परिवार का दुख तो आप समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, जिसके परिवार का सदस्य जाता वही जानता है। पर ये किस तरह का निज़ाम चल रहा हमें भी नहीं पता, हम वहाँ नहीं थे। पर हाँ, एक माँ देखिए किस तरह से रो रही, बिलख रही, 25 साल का बच्चा, इसकी जान चलेगी और उसके बाद इन्हीं के भाई के ऊपर यहाँ पर कंप्लेन करवा दी। ये क्या चल रहा, समझ नहीं आ रही है। हम ये कहते हैं जो 25 साल का युवक इस दुनिया से चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे रहे, इस माँ को और इस भाई भाइयों को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। आप भी लिखिएगा ओम शांति, जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए।